मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय सुबह के बजे हुए हैं 9 और हम थोड़ा सा सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आए हुए हैं। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है, मूंग की दाल है। आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं, उड़द की भी ले सकते हैं और चने की भी ले सकते हैं, एक साथ मिक्स भी ले सकते हैं और इसको सबको अलग अलग भी बना सकते हैं ये सब्जी। तो मैं मूंग की दाल की बना रही हूँ, थोड़ा मसूर भी मिक्स किया है, और इसलिए कि चने की दाल और उड़द की दाल थोड़ा बादी होती है तो गैस वैस की अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मूंग की दाल की ये सब्जी अच्छी बनती है। तो ये मैंने मूंग की दाल ले ली जिसको मैंने रात भर सोक किया है और इसके बाद इसको मैंने पीस लिया है। पीसने में सिर्फ मैंने इसमें हींग डाली, बाकी कुछ भी नहीं डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो धनिया मिर्चा ये सब डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ हींग डाली हुई। तो चलिए देखिए, ये भगोने में मैंने पानी गर्मा दिया है और ये पकौड़ियाँ वैसे तेल में डालिए। देखिए, ये मैंने एक प्लेट ले ली जाली वाली दूर ढकने वाली, इसको मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करके ये जो मैंने दाल पीस ली उसको मैंने इस आकार पर बना के इस पर रख लिया है। अब देखिए, अब आप चाहें तो इसको कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं पकौड़ियाँ। ये वैसे ये अगर तेल में फ्राई की जाती हैं तो अच्छी लगती हैं ज़्यादा, लेकिन तेल की फ्राई थोड़ा नुकसान करती है, इसलिए मैं इसको स्टीम में बना रही हूँ। ये देखिए, और इतनी सब्जी काफ़ी है हमारे घर के लिए। थोड़ी सी दाल हम बचा लेंगे जिस ग्रेवी में डालेंगे। ये देखिए, और इसको हम इससे देते हैं ढक। जब तक देखिए मेरा ये भाप वाले ये पक रहे हैं तब तक मैं इधर ग्रेवी तैयार करके, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें हम डालते हैं ये सरसों का तेल। तेल सब्जी के अकॉर्डिंग बहुत थोड़ा सा डालें, जितनी सब्जी हो उस हिसाब से तेल डालें। अब तेल में हम डालेंगे जीरा, तेल गर्म हो जाता है इसके बाद जीरा डालेंगे। और ये देखिए, ये मेरा पेस्ट बना हुआ है हल्दी धनिया मिर्चा, और ये लहसुन प्याज का पेस्ट बना रखा है। बस बहुत कम मसालों में सब्जी बनाएंगे। ये मेरा मिर्चा कटा हुआ रखा है और थोड़ी सी हींग डालेंगे क्योंकि दाल में की सब्जी में हींग बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हींग हमने डाल भी रखी है। चलिए देखते हैं, जीरा डाल दिया हमने, जीरा जब तक तड़के, इसके बाद फिर इसमें देखिए हरा मिर्चा डाल देते हैं। गैस को तेज कर देंगे। अब देखिए, डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। रख दो अरविंद, ले लेंगे सभी। बस मिशिंग डाल देते थोड़ा सा हींग, इधर हमारी पकौड़ियाँ पक रही हैं। ये ग्रेवी बनाने के बाद ये सारी पकौड़ियाँ इसी में डाल देंगे। ये लहसुन का पेस्ट मेरा कस पक जाए, इसके बाद इसमें मसाला डालते हैं। अब लहसुन प्याज मेरा पक गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं ये हमारे जो सारे मसाले हैं। ये देखिए, हल्दी धनिया मिर्चा, इसी समय हम इसमें डाल देते हैं देखिए हमेशा की तरह एक चम्मच सब्जी मसाला, एक चिकन मसाला। इसको भूनेंगे और अब डाल थोड़ा सा अमचूर डाल देंगे क्योंकि टमाटर है नहीं। देखिए, ये दाल मैंने घोल के रखी थी थोड़ी सी, इसको हम इसमें डालेंगे, इससे ग्रेवी जो है थोड़ा गाढ़ी हो जाती है। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, दाल कच्ची है इसको थोड़ा देर इसको पकाएंगे।
थोड़ा पानी डाल देते हैं और अब इसको देर तक पका लेंगे। इस दाल जो कच्ची है इसका कच्चा हम कर देंगे। अब इधर देख लेते हैं चिमटा, देखते हैं मेरी दाल पकौड़ियों की क्या स्थिति है। अब इसको ये फोक की मदद से हम देख लेंगे कि पकी कि नहीं। अगर पक गई है तो इसमें लगे रहेंगे, तो आप सभी ये देखिए इसके मतलब ये पक गई है। गैस हम बंद कर देते हैं, इसको निकाल के अलग रख देते हैं ठंडा हो जाए। इस पानी के इस्तेमाल हम सब्जी में कर लेंगे। गर्म पानी है, सब्जी उतार के इधर रख देते हैं, गैस को बंद। अब डालते हैं इससे कश्मीरी मिर्च और नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग डालें। अब देखिए ये मसाला पक गया है, ये देखिए दाल और मसाला दोनों पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। आप पानी इस हिसाब से डालेंगे जैसी ग्रेवी आपको ज़रूरत हो उतनी ग्रेवी आप इसमें डाल दीजिए। देखिए मेरी पकौड़ियाँ भी ठंडी हो गई, लेकिन पानी बॉयल हो जाएगा तब हम पकौड़ियाँ डालेंगे। ये जो सब्जी है ये चावल के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो ये आप बनाइए और बहुत फ़ायदेमंद भी है। मूंग की दाल है और ज़्यादा मिर्च मसाला भी मैं नहीं यूज़ करती हूँ। अब आप कहेंगे एज के अकॉर्डिंग नहीं खाना चाहिए, लेकिन भैया आजकल तो एज और उसका मीनिंग ही नहीं रह गया। तेल मिर्च मसाला सबको नुकसान करता है, और सबसे बड़ी बात तेल मिर्च मसाला शुद्ध मिलता भी नहीं है। ये अब ये ग्रेवी मेरी पक जाए, इसके बाद मैं इसमें पकौड़ियाँ डालूँगी एक उबाल आने के बाद। अब देखिए डाल दिया इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला, और अब ये हमारी पड़ जाएंगी इसमें पकौड़ियाँ। ये देखिए ये बहुत आसानी से निकल आएंगी। ये डाल दिया, देखिए सब साफ साफ बिल्कुल से निकल आई, थाली में बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। इनको आप ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, ना भी फ्राई करें तो। मैं तो शाम के टाइम कभी कभी इवनिंग स्नैक में इसको बना लेती हूँ, तेल भी नहीं लगाना होता है। किसी भी ग्रीन चटनी से इसको खाइए। ये अब ये बॉयल हो जाएगी, इसके बाद मैं इस सब्जी को कम्प्लीट कर दूँगी। मेरा रसा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छी सब्जी चावल के साथ खाने के लिए रेडी हो चुकी है। देखिए दोस्तों सब्जी हमारी तैयार हो गई। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी धनिया, आपके पास पत्ती हो तो पत्ती डाल दीजिए, मैंने पीस के रखी हुई वो डाल रही हूँ। अभी देखिए सब्जी मेरी रेडी है, गरम मसाला भी डाल दिया। अब इसमें एक जीरा का तड़का और लगा देंगे और सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये हम परोस रहे हैं, ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ हैं। ये अभी आप ऐसे करके रख दीजिए, अभी 10 मिनट में ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही हो तभी आप उतार लीजिए, क्योंकि अभी पकौड़ियाँ रसा सब पी जाएंगी। तो ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, आप भी बनाइए। ये अभी जितनी ग्रेवी है सब इसी में फिनिश हो जाएगी। ये देखिए ये ग्रेवी मैं अलग से बना के रखी हूँ, परोसते समय इस ग्रेवी को डाल दूँगी। तो ये देखिए सब्जी तैयार है। अब ये कढ़ाई उठा के मैं इधर रख देती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं इसे अब थोड़ा सा डाल देते हैं। आपको कैसी लगी मेरी ये सब्जी, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ तो इसको रिकोच बोलते हैं। ये देखिए रिकोच बोलते हैं, इधर रायबरेली साइड इसको करायल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो? मूंग की दाल की सब्जी भी बोला जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट पनीर को फेल करने वाली सब्जी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।